जय हिंद दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर वाले साथियों, अब तो खुश हो गए। मैंने एक बार बार बोला था कि जनवरी दिसंबर लास्ट तक नहीं आया, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन रिसेंट की वीडियो में मैंने आपको ये भी बोला था, इलेक्शन से पहले आपकी उम्मीद है। दूसरा, जो लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके भी बता दूं कि ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है ये बस इसलिए आया है ताकि आपको भी विश्वास हो जाए कि आपका आने वाला है। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर का तो आ गया है। आप लोग देख रहे हो बहुत सारे वीडियो, मतलब मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ सोच के लेट वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्या है, आप लोग के लिए ही है। और बहुत अच्छा लगा कि आपका एग्जाम होने वाला है क्योंकि मेरे जितने जुड़े हैं मैक्सिमम रेडियो ऑपरेटर वाले ही लड़के जुड़े हैं। अब आपका लास्ट जब तक एग्जाम होगा, हो सकता है जनवरी में आपका नोटिफिकेशन भी आ जाए यूपी कांस्टेबल का, ये भी आप लोग ध्यान रखें। रेडियो ऑपरेटर का जो आया है नोटिफिकेशन, उसमें आप देख रहे हो, आपको मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है और बहुत जगह लास्ट वीक बताया गया है कि आपका एग्जाम होने के चांसेस है। अब एक चीज और बता दूं, ये सब चीजें तो आपको पता होगी, मैंने आपके लिए क्या डिसाइड किया और आपको क्या चीजें करनी है। एक दो कमेंट आया कि सर आप स्ट्रेटेजी टाइप कुछ बताइए, तो मैं आपको बता दूं, आप ये मत मानो कि लास्ट वीक में है। आपको 30 डेज चैलेंज मान लीजिए या फिर 30 डेज स्ट्रेटेजी मान लीजिए, 30 डेज 30 दिन का, कि आपको 30 दिन में ये चीजें करनी है। मैं गाइड करूंगा, मैं हर एक दिन पे दो दिन पे वीडियो टाइम निकाल के कोशिश करूंगा। कुछ दिन मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ दिन आपको भी मेहनत करेगी। अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखो, ठीक है, कि आप मेहनत करते हो यार। और जो मेहनत करना चाहते हो तो जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करेंगे ताकि पता चलेगा हाँ वो सच में मेहनत करना चाहते हैं, तो मैं मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेहनत करना चाहते हो। क्या लगेगा सब्सक्राइब करने में, आपको एक बटन दबाना है ताकि फैमिली जुड़ेगी तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, और कमेंट करेंगे तो आपको मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग भी सीरियस हैं। बता रहा हूँ, 30 दिन में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, कैसे कैसे करना है वीडियो बताऊंगा। पढ़ाने का देखो, पढ़ाने का समय नहीं है ना, पढ़ने का समय है, मैं रिवीजन कराता हूँ लाइव। सब्सक्राइब करने के लिए से बोल रहा हूँ, लाइव आऊंगा तो वो आप लोगों के लिए भी गाइड करने के लिए कोशिश करूंगा। जो आप फंसोगे जहां पे चीजें, वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, डायरेक्शन देने की कोशिश करूंगा, गाइडेंस देने का। ये यूट्यूब चैनल बनाने का एक ही मोटिव है ताकि आप लोग एक सही पाथ पे हो। और बहुत अच्छा लगा, और जो जो फालतू लोग कमेंट करते हैं ना कि आप बार बार लेके आगे, बार बार लेके आगे, भाई भर्ती बोर्ड जब लेके आएगा तभी तो काम चलेगा। अब लेके आए तो अब वो कमेंट करने के लिए नहीं बनेंगे, अब कमेंट करो, अब तो आ गया। और वही लड़के रह जाएंगे जो कमेंट फालतू करने में लगे रहते हैं कि अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। एक बात याद रखो, डीमोटिवेट करने वाले लोग आपको हजारों मिलेंगे, मोटिवेट करने वाले लोग गिने चुने मिलते हैं। तो अगर मेरे से अगर यहाँ पे 70-80% लड़के भी मोटिवेट हो जा रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। वो 10-20% को मैं नेग्लिजिबल गिनता हूँ, ठीक है। तो आप तो दूर ही रहो। दूसरी बात, जो तैयारी करना है वो 30 दिन, आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना पोर्शन पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को क्या पढ़ना है, ये आप पढ़ चुके होंगे। उसमें क्या चीज नहीं करनी है, क्या चीज करनी है, कौन सा चीज को ज्यादा टाइम देना है, कौन सी चीज को कम टाइम देना है, कौन सी चीज को ज्यादा रिवीजन करना है। सपोज कीजिए आपके अगर सिलेबस दो बार कंप्लीट होंगे, कुछ भी कंप्लीट होंगे, तो आपको इस 30 दिन में दोबारा चीजें करनी है, एकदम ऐसे रिफ्रेशमेंट माइंड की तरह कि जब आपका जनवरी में एग्जाम हो लास्ट वीक, जो भी जो निकला है उसके हिसाब से, तो आपको एकदम फ्रेश रहे चीजें, समझ रहे हो आप। एक तरह से पूरा ही जो एकदम सच में नौकरी पर, देखो भाई रेडियो ऑपरेटर के हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, इसलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ, बार बार जॉब प्रोफाइल, अगर कोई डिमोटिवेट हो रहा है जॉब प्रोफाइल की वीडियो जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगी कितनी अच्छी पोस्ट है। 3-3 वीडियो डाल रखा हूँ भाई, आप मेरे साथ जुड़ो ताकि लाइव में भी आप लोगों को चीजें बता, और मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा चीजें बता दूंगा। और यहाँ मेरा काम है, रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड भी मिलते जुलते काम होते रहते हैं, तो मेरा आना जाना रहता है ऑफिस में उनके, तो ऑफिस दिखाना भाई पॉसिबल नहीं होता, हमारे गाइडलाइंस के खिलाफ है तो नहीं दिखा सकता। तो मैं उनसे जानने के बाद आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी रॉयल नौकरी है। अभी जैसे देव दीपावली था तो रेडियो ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसमें बहुत उनका वर्कलोड था, प्रेशर था बहुत अच्छी, तो उनसे बहुत ज़्यादा बात करने को मिला है मुझे, तो उनके थ्रू जाना हूँ क्या काम है, कैसे करना रहता है, बहुत अच्छी पोस्ट है। तो इस बात को ध्यान रखिए आप, ठीक है। जितने लोग एग्री करते हैं भाई कमेंट करो, आप वो जाके वीडियो देखो, मेडिकल में क्या होगा, आप अभी से मेरे साथ जुड़िए, मेडिकल में क्या होगा, रनिंग में कैसे करना है, जो भी चीजें हैं आपकी ट्रेनिंग तक जाने तक मैं आपका साथ दूंगा। और अभी 30 दिन का बता रहा हूं कि 30 दिन मैं हर एक दो दिन पे कोशिश करूंगा, वीडियो लाऊंगा जो मुझे समझ में आएगा, बाकी आपको जो समझ में आ रहा है, जिस चीज पे प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा अगर बनाने लायक ज्यादा से ज्यादा उस पर कमेंट आएगा कि अगर मतलब समझ रहे मेजर प्रॉब्लम रहेगी तो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करो, तो आप कमेंट कर सकते हो बेधड़क होकर। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है cop_rajeshsingh करके, मैं दिखा भी दे रहा हूं, इस पे आप जाके फॉलो कर लीजिए, फॉलो करके कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे तो उस पे पता चल जाएगा, मैं उस पे भी डालता रहता हूँ, उस पे ज्यादा आजकल लाइव आ रहा हूँ तो इसलिए आप वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप मेरे लाइव में। ये चीजें हैं,
तो ये ओवरऑल मिला के आप लोग बताने की कोशिश करें 30 दिन, 30 दिन में आपको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, कैसे पढ़नी है। आपके गारंटी दे रहा हूं 15 जनवरी से पहले आपका सिलेबस, आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। आप खुद तैयारी कीजिए, आप सबसे पहला आप एक ही काम कीजिए, जो भी आपका सिलेबस है वापस से उठाइए, आज से कल से उठाइए और सारे सब्जेक्ट को वापस से देखिए क्या क्या पढ़ना है। मैं भी आपको बताऊंगा साइंस का पोर्शन ज्यादा पढ़िए, मैथ्स में क्या पढ़िए, इसके पोर्शन आप अपने हिसाब से देखते जाइए कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इतना चीजें कंप्लीट करनी है, बाकी आप जुड़िए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और सबसे बढ़िया होता है ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों।